السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی جاندار ہیں ہر ایک کو موت کا ذائقہ مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو موت آئے گی اسی لئے شاعر نے کہا آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں आगा अपने मौत से कोई बशर नहीं सामा है सौ बरस का पल की खबर नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका ताजदारे मदीना सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कुल इमरी मुसब्बहुन फी अहली वल मौत वदनामी शराकी नअली कि हम में से हर एक आदमी चाहे जवान हो बुजुर्ग हो बच्चा हो इस हाल में सुबह करता है कि जूते का जो तस्मा होता है उससे ज्यादा मौत उसके बिल्कुल करीब होती है और हम सब को दुनिया से एक दिन जाना है। आज हमारे दोस्तों ने आज हमारे अहबाब ने हमारे लोगों ने एहसास फाउंडेशन के जानिब से एक फ्रीजर का इंतजाम किया है क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर तकरीबन 5000 के आसपास मकानात हैं जो मजीद आगे और बढ़ेंगे और हमारे यहाँ लोग अतराफ अकनाफ बाहर के रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो बहुत से लोग कोई कोकण से आते हैं तो कोई महाराष्ट्र के कोने से आते हैं कोई राजस्थान कोई दूर दूर इलाकों से आते हैं। उस वक्त बॉडी की हिफाजत के लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि बॉडी इसमें रहे ताकि वो मैयत महफूज रहे और उसकी इज्जत उसकी तकरीम रहे। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों ने हमारे बुजुर्गों ने जो ये इंतज़ाम किया है ये सभी लोगों के लिए किसी मजहब किसी की जात किसी की कास्ट किसी क्रेड हालांकि हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम सब के सब एक माँ बाप की औलाद हो और तुम सब के सब एक हो तो ये सभी लोगों के लिए है। इसका हम लोग सही से इस्तेमाल करें और जिनके भी घर पे इंतकाल हुआ है हम ही उम्मीद करते हैं कि वो लोग इसका सही इस्तेमाल करेंगे। इस उम्मीद के साथ हमने खिदमत की है कि अल्लाह ताला हमको भी मौत के बाद हमारी जिंदगी अच्छी बनाए और हमारा हिसाब किताब का मामला आसान हो और कब्र के अंधेरे में जब हम रहें तो हमारी खिदमत अल्लाह कबूल करे। और हुजूर की उम्मत के लिए जो हमने ये कुर्बानी दी है जो ये हमने मेहनत की है अल्लाह ताला इसको बहाना बनाकर हमारे पास नेकी बिल्कुल नहीं है ना नमाजें हैं ना अमल है इसको बहाना बनाकर इस अमल को अल्लाह ताला हम सबकी मगफिरत फरमाए। हमारी सबकी दुआ है हमारे आजम भाई सऊद भाई साउल भाई मुबीन भाई आरिफ भाई साजिद सर तमाम एक लंबी फहरिस्त है मेरे दोस्तों की जो मुखलिस मेरे दोस्त हैं। अभी आगे आपको आजम भाई बताएंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए एक जो हमको एक एहसास था बेसिकली इस चीज का कि गुज़िश्ता दिनों में हमारे दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तब हमें ये पर्सनली रियलाइज हुआ कि जब भी कोई मैयत होती है स्पेशली हमारी दोस्ती प्लैनेट नॉर्थ में कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है हमारे पास लिफ्ट है पानी है हर चीज़ की फैसिलिटी है लेकिन जब मैयत होती है तो अक्सर मैयत के लिए लोग बाहर से आते हैं उनको टाइम लगता है लोगों को आने के लिए क्योंकि लोग दूर दूर रहते हैं तो उस वक्त तो मैयत को हिफाजत से रखने के कोई बंदोबस्त नहीं था तो अक्सर ऐसा होता था कि लोग जल्दी में घर वाले उनको तफीम करते थे तो सगा बेटा यहाँ तक सगे रिश्तेदार भी नहीं मिल पाते थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एहसास किया और इसीलिए हमने अपने फाउंडेशन का नाम भी एहसास फाउंडेशन रखा। जिस तरह अल्लाह ने हमें एहसास दिलाया इसी तरह बाकी लोगों को भी एहसास दिलाया तो मकसद तो खाली ये है कि हमारे जो भी भाई चले गए या हमारी जो भी माँ बहनें चली जाती हैं दुनिया से तो उनकी जाने के टाइम पे हमारी तरफ से खिदमत है कि उनकी लोग उनकी ज्यारत कर सके उनको देख सके उनके रिश्तेदार उनके अहबाब
और आरिफ भाई इसके अलावा एक और बात है कि जो स्पेशली जो ऑपरेटेड मैयत होती है, जिनकी मैयत ऑपरेशन के दौरान होती है, तो उसमें मैयत को ज्यादा देर तक रखने के लिए डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसको नहीं रख पाते, तो ये उस चीज के लिए मेन है, और जो हमारे दूर से दो लोग आते हैं उनके लिए खास करके है। और बाकी इसके ऑपरेटिंग के लिए अभी हमारे घोष भाई है जो इसका ऑपरेशन देखा हुआ है, उन्होंने बाकायदा समझ के लिया हुआ है, जहाँ तक नहीं मंगाया है उन्होंने इनको मालूम दी है, तो इंशाल्लाह ये आपको टेक्निकलिटी और इसको कैसे ऑपरेट करना है वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई इसमें जो है ना दो यूनिट है, ये दो हिस्से में डिवाइड किया हुआ है और दो प्लग पॉइंट है इसके अलग अलग। ये जो प्लग पॉइंट है वो नीचे के हिस्से में है, इधर रखे हुए है उसके प्लग पॉइंट्स, ये 15 एम्पेयर के प्लग पॉइंट्स है दोनों, दो साइड के दोनों भी प्लग पॉइंट 15-15 एम्पेयर के। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए एक बोर्ड देंगे जो आपको आसानी से एक ही प्लग पॉइंट में एड होगा, और दूसरा जब लगाएंगे तो उसको पहले तो आधा घंटा नॉर्मली चलने देना, उसके बाद में जो है उसके अंदर बॉडी ताकि वो ठंडा हो सके, पहले टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल होने के बाद में आप उसको अंदर आराम से रख सकते। और पहली बात तो भाई देखो, ये जो है ना ये कवर जो है टॉप वाला, इसको मेन चीज तो ये फर्स्ट अप वाला कवर है, तो इसको बराबर से कवर करना है। ये देखो ये हम बताते अभी शावर बार में ओपन करके, ये जो है ओपन होएगा, ये कवर जो है ना इसको बराबर प्रॉपर कवर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ ये कवर नहीं है, ये हवा भरना चाहिए, उसके बाद में ये दोनों को उठाना है और एकदम आराम से इसको रख के ये बॉडी के आराम से इसके अंदर, जब तक 15-20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट तो उसको रखना है स्टार्ट करके, उसके बाद में आपको बॉडी रखनी है। इसमें एक चीज और है, ये जो पॉइंट है ये कूलर के लिए दिया हुआ है, इसको डैमेज ना करे। अच्छा, ये प्रॉपर ऐसा ही रहना चाहिए। और इसके ऊपर हम लोग ने एक ट्रे का इंतजाम किया, इंशाल्लाह वो ट्रे जब आएगा तो आपको खाली वो ट्रे को उठाना है और ट्रे रखना है, और फ्रीजर आप बंद करके छोड़ने के बाद इसको वॉश नहीं करना है, इसको खाली कपड़े से आपको पोंछना है पानी को, और जब टेम्परेचर ओके हो जाएगा उसके बाद में उसका पावर ऑफ करने के बाद ही पोंछना है, टेम्परेचर ऑन करके बाद पोंछना नहीं है, पावर ऑन रहेगा तो आपको हाथ नहीं लगाना है, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभी इसके आगे सब भाई सब में मेन चीज तो इसको गीला कपड़ा बिल्कुल ना फिराए, क्योंकि उसके अंदर जो है होल पॉइंट जो उसका पावर का ये है पॉइंट है वो सेंसर है, तो इसके और ध्यान देते हुए बराबर खाली सूखा कपड़ा ही फिराए। और इसको जो है ना ओपन करना भी आसान है भाई, ये लॉक सिस्टम है दो पीस के है ना, दोनों साइड में ये इसी तरह के दोनों लॉक है, तो ये दोनों साइड के लॉक खोलना है। आ जाओ मैं वहां से भी ये देखो, ये दोनों लॉक, ये नीचे टायर है, सब में अच्छी चीज तो इसमें नीचे दोनों चारों जगह टायर दिए हुए हैं दो पीस के लिए, एक टायर भी लॉक होते हैं, टायर भी लॉक होते हैं, जब आपको लॉक करने के बाद में इसको प्रेस नीचे करना है तो ये लॉक हो जाएंगे, और जब खोलना है तो इसको आप करके खोलना। और देखो ये भाई ये आराम से एकदम प्यार से स्मूथ से दो पीस में डिवाइड हो जाए, और फ्रिज जो है हमने लिफ्ट के अंदर प्रॉपर जाएगा इसी तरह हम उसका ये बना के लिए है ना भाई। और जब लगाओगे तो एक चीज बराबर ध्यान देना भाई, ये जो है ना लॉकिंग सिस्टम है तो इसके आजू बाजू में दो प्लेट दिए हुए, एकदम स्मूथली जाता है, लॉक होता है वो दोनों साइड से, और ये लॉक करने ध्यान से भाई लॉक करें पहली बार, ये लॉक यहाँ से दो हो गए, अब यहाँ से मैं दोनों लॉक कर दूँ, ये देखो ये लॉक आराम से एकदम प्यार से लॉक होते हैं, ये हो गए लॉक। माशाल्लाह हमारे साउथ भाई ने मुफ्ती साहब ने सब बता दिया, अभी टेक्निकली जो डिटेल्स है हमारी लिफ्ट के अंदर, नॉर्मली लिफ्ट के अंदर ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है जो घर पे लेके जाने वाली है, तो ये लिफ्ट के डोर के हिसाब से इसको मैनेज किया है, और आप इसको पैसेंजर लिफ्ट में मत लेके जाइए, स्ट्रक्चर लिफ्ट में लेके जाइए, लगेज लिफ्ट में, और इसके दोनों साइड से एक एक इंच का गैप है डोर के जो साइज है ना 800 mm, उससे एक एक इंच हम लोग ने 50 mm इसको कम किया कि प्रॉपर तरीके से चले जाए। आप इसको जब आप लिफ्ट के अंदर डालोगे तो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन को पहले आप अंदर डालोगे, ना कि ये वाले डायरेक्शन को आप अंदर डालोगे,
इससे क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है ना आपका, जब दरवाजे के पास आप डालोगे तो इसका जजमेंट आपको प्रॉपर मिलेगा, जितना यहाँ से गैप रख रहे हो उतना यहाँ से गैप रखना है। और जब डालोगे लास्ट में जो पॉइंट आता है इसको केयरफुली डालना है, क्योंकि एक कम से कम 10 से 15 mm का खाली गैप रहेगा दोनों साइड। तो आपको ये जो डालेंगे आप इसको प्रॉपर वे में अंदर घुसा लो और एक एक करके लेके जाना, ना कि दोनों को एक साथ लेके जाना, क्योंकि आप साइज तो है उसके अंदर लेकिन लिप डैमेज होने का चांसेस है और उस तरीके से लेके जाना सही भी नहीं रहेगा। और जब आप इसको लोगे तो प्रॉपर वे में उठा के लेना, ये जो ग्रिप दिया हुआ है इस ग्रिप को आप पकड़ लो, ना कि इसको धक्का देके लेके जाओ। टाइल्स लेवल पे रहेगा ओके, यहाँ से आप लेके जाओगे तो रोलर भी डैमेज हो जाएगा और जो कैपेसिटर है फ्रिज का इसका वो भी डैमेज हो जाएगा, तो उसका ध्यान बहुत जरूरी है रखना। जी चाचा आप बताइए क्या। वालेकुम सलाम। ये दोस्तों की तरफ से ये अच्छी कोशिश है, माशाल्लाह अल्लाह इसका अजर दे उन लोगों। सलाम अलैकुम। आप लोगों ने जो ये किए आपने मैं कह बहुत अच्छा है, सब मैंने सबको सहूलत होगी बहुत अच्छा है, क्या मसला ये है इसका इंतजाम किया है और आपने इन फ्यूचर आने सबको भी इसका है ना ये मिलेगा, फायदा मिलेगा आप लोगों को अल्लाह बेहतरीन जज़ाए करे था फरमाए, बहुत बड़ी किस्मत है और अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी अता फरमाए आखिरत में अता फरमाए, इसका सही इस्तेमाल हमें करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम साहब आप बताइए। सलाम अलैकुम। ये हमारे दोस्ती वालों की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है, डीपीएन वालों जितने इसमें शामिल है जो लोग भी अल्लाह उनको इसका अजर दे और आगे भी इस तरह से काम हमारी तरफ से हमारे डिपेंड वालों की तरफ से होता रहे। असलम भाई आपकी क्या राय है? माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है और हम मुसलमानों को बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए और ये जो चीजें हैं इसके लिए हम सबको अल्लाह जज़ाए खैर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बुजुर्ग हमारे बड़ों ने आपके सामने सारी बातें रखी है और हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की उम्मत की खिदमत हम सब से ले लें और हम सब इसी तरह काम करते रहें। ये फ्रीजर जो है हमने मदरसा मकतब जो मस्जिद उमर है एलमोर के नीचे हमने उसकी नीचे रखी है और हम सब इसकी जिम्मेदार हम सब इसी के हैं, लेकिन हमने मशवरे से अपने दो साथियों को इसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे जिसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट आप सभी से कर सकते हैं लेकिन हमने दो साथियों को तय किया है, हमारे आसन भाई हैं और एक हमारे सोद भाई हैं, इनका नंबर हम नीचे डाल देंगे और मशवरे से हम ये भी तय करेंगे कि जो भी फ्रीजर देके जाए कुछ एक रकम हो जो उनकी हो ताकि हम सब इसकी हिफाजत करें। ये उम्मत की चीज़ है, ये एक बैतुल माल की शक्ल में उम्मत की चीज़ है और हुजूर ने फरमाया कि जो चीज़ उम्मत की होती है, जो चीज़ कॉमन होती है, जो उमूमी जो चीज़ होती है उन सब की तुम ऐसी हिफाजत करो जैसे तुम अपने बच्चों की हिफाजत करते हो। अल्लाह हम सबको इसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम लोगों से मजीद इस तरह काम लें। हमारी कोशिश मशवरे से ये भी चल रही है कि कफन के सारे इंतजाम हमारे पास हो और हम ट्रस्ट से बात कर रहे हैं जो डावला गाँव में जो ट्रस्ट है कि पेपर भी बाज़ औकात ऐसा होता है कि रात को जब इंतकाल होता है तो पेपर बनाने के लिए डावला गाँव से जाना पड़ता है। हमारी कोशिश है आप लोग दुआ करिए कि सारे इंतजाम हमारे यहाँ पर हो जाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, इस उम्मीद के साथ कि हुजूर ने फरमाया था कि ये जो मखलूक है अल-खल्क़ु अय्यादुल्लाह कि ये मखलूक जितने भी लोग हैं सब के सब अल्लाह की फैमिली है और जो इनके साथ नरमी का आसानी का मामला करेगा अल्लाह भी उसके साथ नरमी का आसानी का मामला करेगा। बेशक बेशक।